तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गौरव फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, और ये है जोसा। ठीक है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है यार। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा यार, काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा लेकिन वो देखते हैं स्टिल, तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी रिगार्डिंग डेट्स वगैरह तो यार मैं बिल्कुल चैनल को उसी टाइम वीडियो डालूंगा, अपडेट करूंगा। तो यार बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यार बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार जोसा मैंने बता दिया, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जो इसकी फुल फॉर्म है यार, ये कंडक्ट कराती है इस काउंसलिंग को। यार इस काउंसलिंग में क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, इस बारे में बात करता हूँ। तो यार IITs की काउंसलिंग भी जोसा के थ्रू होती है, NITs, ठीक है, IIITs, IIEST जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, IIST शिवपुर है, एक बहुत अच्छा कॉलेज है। और इसके अलावा GFTIs आती हैं यार इसके अंदर। यार GFTIs होती हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, वो काफ़ी अच्छे होते हैं इंस्टीट्यूट्स। तो यार उसमें अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो यार दिल्ली में JNU इस साल से इसमें ऐड हुआ है जोसा काउंसलिंग। ठीक है यार, तो अगर मैं दिल्ली के कॉलेजेस की बात करूँ तो यार IIT दिल्ली, NIT दिल्ली और आपको ये JNU, यार ये तीन आपको जोसा में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के चार कॉलेज हैं वो जैक के अंदर आते हैं, DTU, NSIT, IIIT दिल्ली और IGDTUW। तो यार इसमें और इसमें काफ़ी काउंसलिंग में डिफरेंस है। वहाँ पर आपको CARL यानी कॉमन रैंक लिस्ट के जो आपकी रैंक होती है उस बेसिस पे मिलता है। ठीक है, जो अगर सपोज OBC है तो उनके लिए भी, या कोई और कैटेगरी है तो उसके लिए भी यार जो CARL रैंक होती है उसके बेसिस पे एडमिशन होते हैं। ठीक है, जनरल के लिए जो रैंक होती है वो काफ़ी कम होती है, OBC, ST, SC के लिए रैंक बढ़ती जाती है, तो बस ये फ़र्क होता है। लेकिन जो जोसा है यार उसमें इंडिविजुअल जो आपकी कैटेगरी रैंक आती है, अगर जनरल है तो उसकी तो CARL देखी जाएगी, अगर OBC है तो उसकी कैटेगरी वाइज रैंकिंग आती है, तो उस कैटेगरी में रैंकिंग के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये जैक से इसमें और इसमें ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मुझे एक मेरे ही सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था इंस्टाग्राम पे, यार इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, मुझे फॉलो कर लेना और मुझे यहाँ पर तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। ठीक, तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था इन दोनों के बीच डिफरेंस, तो मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया कि यार CARL रैंक और यहाँ पर जो कैटेगरी रैंक है उसका क्या रोल है। कैटेगरी रैंक आपकी यहाँ पर जो जोसा में जितने आपके कॉलेजेस आएंगे हो यार, पहली एलिजिबिलिटी कॉमन सी बात है, अगर आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप JEE एडवांस क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, तो यार जो JEE एडवांस क्वालिफाइड है वही IITs वगैरह की काउंसलिंग सबसे पहले इसमें स्टार्ट होती है, IITs वगैरह की, तो उसमें सिर्फ वही लोग बैठ पाएंगे जिन्होंने JEE एडवांस क्वालिफाइड किया। ठीक है, एक और यार इसमें एलिजिबिलिटी आती है कि अगर आपको IITs में एडमिशन लेना है यार, तो आपकी टॉप 20% में मार्क्स होने चाहिए इन योर रिस्पेक्टिव बोर्ड, जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है। यार CBSE के 86 और 87 के आसपास जाती है हर साल, वो CBSE रिलीज करता है आफ्टर रिजल्ट, 12th रिजल्ट के बाद CBSE रिलीज कर देता है कि इसकी टॉप 20% कितनी है। यार 75% इज नॉट द केस हियर। ठीक है, बाकी मैं अपडेट करता रहूँ। यार अब बात करते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी की, तो यार इसमें अगर आप JEE मेंस क्वालिफाइड हैं तो भी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि IITs हैं, उसके अलावा कॉलेजेस भी हैं, NITs हैं, IIITs हैं, तो यार इनके लिए आप बैठ सकते हो इस काउंसलिंग में। तो यार इसके लिए जो है आपको मेंस क्वालिफाइड होना चाहिए एज यूजुअल, और दूसरी चीज़ यार आपको 75% लाने होंगे इन योर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। ठीक है, तो जो भी आपका बोर्ड है उस हिसाब से आप कुछ में। यार कैटेगरी की बात करें तो यार इसमें काफ़ी कैटेगरी आ जाती है, जैसे आपकी OBC, ST, SC, OBC, NCL, नॉन क्रीमी लेयर्स, ठीक है, फिर जनरल EWS, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट 2019 से, ठीक है, तो इसके अलावा PWD वगैरह वगैरह। तो यार इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं जिसके बेस पे पार्टीशंस होता है सीट्स का। ठीक है, तो ये यार हम इसमें आगे चलते हैं स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी की तरफ। यार स्टेट जो होता है यार, स्टेट कोड भी होता है इसमें, HS जैसे होम स्टेट हो गया, अदर स्टेट हो गया, यार दो तरीके से कोटे होते हैं इसमें। ठीक है, आप होम स्टेट में आते हैं, अदर स्टेट में आते हैं। यार तो इसमें डिसाइड कैसे होता है कि आप किसका होम स्टेट, सबसे ज़्यादा बस एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अगर 12th पास जहाँ से भी की है, ठीक है यार, तो वही आपकी स्टेट कोड आपका वही हो जाएगा, वही आपका होम स्टेट हो जाएगा। ठीक है यार, तो जो लोग अगर कोई 12th में अगर किसी ने इम्प्रूवमेंट भी दिया है, तो यार अगर उसने पास जब 12th की थी, तो यार अगर उसने 12th पास जहाँ से भी करी है तो वही माना जाएगा, ना कि उसका इम्प्रूवमेंट उसने कहीं से दिया। तो ये बात रही यार।
आपकी स्टेट कोड की। ठीक है, तो यार ये सिर्फ NITs, IIITs और GFTI इसके लिए अप्लाई करता है, इसके अलावा IITs में ऐसा कुछ भी नहीं है कोई कोर्स। और यार स्टेट कोटा को तीन तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं, यहाँ पर होम स्टेट मिल जाएगा आपको, अदर स्टेट मिल जाएगा यार, और आपको यार ऑल इंडिया भी मिल जाएगा। यार ऑल इंडिया के अंदर बाहर के तो आते ही आते हैं, और होम स्टेट वालों को भी ऑल इंडिया के अंदर कंसिडर किया जाता है उस स्टेट के लिए। यार उसके अलावा मैं बात करूँ तो कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं जिनके लिए वो कोई इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो अलग कट ऑफ देते हैं, जैसे NIT वारंगल है तो वो होम स्टेट तेलंगाना वालों के लिए है, और अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए भी उन्होंने एक जो है अलग से कट ऑफ लिस्ट आती है उनकी, तो हर स्टेट का आपको। तो यार बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस की। यार तो सीट जो होती है यार वो आपको पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है, जोसा का, उसकी फीस बहुत ही नॉमिनल होती है, ठीक है, 1000-1500 to 2000 डिपेंड करता है हर साल। तो यार उसके बाद अगर आपकी कहीं आपको फिर चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलता है, अगर आप JEE एडवांस क्वालिफाइड हैं तो स्टार्टिंग में जो IITs की काउंसलिंग होती है आप उसमें बैठ सकते हैं, अगर आप JEE एडवांस क्वालिफाइड नहीं है तो आप IITs की काउंसलिंग तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर जब NITs, IIITs, GFTIs और IIEST जैसे इंस्टीट्यूट्स जब आएंगे तब आप उनकी काउंसलिंग में बैठ सकते हो यार। तो यार उसकी काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है यार, ठीक है, अब ब्रांच वाइज भी भर सकते हैं, आपने जैसे कंप्यूटर साइंस चुन लिया तो यार कंप्यूटर साइंस जिस कॉलेज में वो सारे आपके लेफ्ट में आ जाएंगे, अगर आपकी पहली प्रायोरिटी कंप्यूटर है, किसी की मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के कॉलेजेस आ जाएंगे, आप उनमें शॉर्ट लिस्ट करके वो बेस्ट कॉलेज अपने ऊपर भर सकते हो, उसके अलावा आप ब्रांचेस वगैरह चेंज करके तो काफ़ी सही ऑप्शन आ जाता है यार। इसके अलावा यार उसमें क्या बोलते हैं आपका, अगर कहीं सीट आपको मिल जाती है तो आपको उसी टाइम उस सीट को अलॉट हो जाते हो, तो आपको यार वहाँ रिपोर्ट करने जाना पड़ता है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा गाइडलाइन वगैरह डिटेल वीडियो मिलेगा आपको जोसा पे जब इसका लॉन्चिंग होगी, अभी मैं सिर्फ ऊपर से आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। तो यार ये है कि जोसा में जो आपको मेन अगर कोई सीट अलॉट होती है तो आपको उसके लिए उस पर फी पे करने के लिए आपको कुछ टाइम मिलता है, पर्टिकुलर टाइम, तो यार उस टाइम में आपको 35,000 के अराउंड था लास्ट ईयर, तो वो सीट के लिए यार आपको 35,000 तक का पेमेंट करना पड़ता है, तो वो उसके बाद फिर आपको वहाँ जो सेंटर है वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो यार अगर आगे आपको आपकी बेटर चॉइस मिलती है तो यार वो फीस डायरेक्टली वहाँ ट्रांसफर हो जाती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वेरीफाई हो जाते हैं, आप उस इंस्टीट्यूट से बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यार हम आगे चलते हैं यार, तो इसमें आखिर में आती हैं यार GFTIs जो है जिनके बारे में बहुत कम को पता होता है, और एक IIEST मैंने बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा अगर GFTIs की बात करें यार, इसमें अगर मैं IIITs की बात करूँ तो यार दो IIITs इसमें नहीं मिलेंगी, एक है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो IIIT दिल्ली है वो इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, तो एक ये है और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT हैदराबाद, तो ये दो अलग IIITs हैं जो इसके अंदर नहीं आती, इसके अलावा इसमें ऑलमोस्ट सारी IIITs आ जाती हैं। इसके अलावा यार मैं बात करूँ तो GFTIs में बहुत लोगों को डाउट होगा, यार मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि कौन कौन सी GFTIs आप ले सकते हो अगर आपके पास ऑप्शंस कम है, या कोई बेटर है अगर लोअर ब्रांच किसी में लेने से बेटर है अगर आपको इनमें कंप्यूटर, तो आप देख सकते हैं यार GFTIs भी काफ़ी हैं इसमें, उसमें ऑप्शंस हैं काफ़ी सारी GFTIs हैं, लेकिन कौन सी अच्छी हैं, एक दो एग्जाम्पल हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है उसमें, ठीक है, JNU मैंने बोला इस साल से ऐड हुआ है उसमें, और भी बहुत सारी हैं यार, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको GFTIs पे भी वीडियो चाहिए कि कौन GFTIs अच्छी। तो यार आज के लिए बस वीडियो में इतना ही यार, और मैं जैक और टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे वीडियो पहले ही कवर कर चुका हूँ दिल्ली के, और अगर आपको कोई स्पेशल अगर कुछ भी वीडियो अगर चाहिए या कोई डाउट वगैरह है तो यार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।